गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू अवर मैथ सेशन. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, सो ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45. स्टूडेंट, फिफ्थ नंबर का मैंने आपको घर पे सॉल्व करने के लिए दिया था, है ना. अभी जो 6 और 7 है ये मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन देती हूँ और ये आपको सॉल्व करना है. तो देखो क्या है, इफ रागिनी पेज ₹375 एवरी मंथ फॉर हर म्यूजिक लेसन. रागिनी अपने म्यूजिक क्लास के लिए, म्यूजिक लेसन के लिए हर मंथ ₹375 देती है. देन हाउ मच विल शी पे फॉर द होल ईयर. तो एक ईयर के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना पे करना पड़ेगा. तो वन मंथ के लिए 375, तो 12 मंथ्स के लिए कितने, वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12. ओके, सो आपको क्या करना है, 375 ये क्या दिया है हमें, रुपीज पेड बाय रागिनी टू म्यूजिक क्लास इनटू हम क्या करेंगे, 12 करेंगे. 12 क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स इन होल ईयर. ओके, सो अगर आप 375 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल पेमेंट बाय रागिनी टू म्यूजिक लेसन्स. तो रागिनी ने कितना टोटल पेमेंट दिया है ये आपको मिल जाएगा. तो प्रॉपरली आपको एग्जाम्पल क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक है, अब हम 7 नंबर देखेंगे. सो नेक्स्ट 7 नंबर, 1245 पीपल विजिटेड द ताजमहल इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी. फेब्रुवरी के फर्स्ट वीक में ताजमहल को इतने लोगों ने विजिट किया है. इफ द सेम नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द ताजमहल इन एवरी वीक ऑफ फेब्रुवरी, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द ताजमहल इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. तो टोटल मंथ का हमें निकालना है स्टूडेंट, फेब्रुवरी का. सो फेब्रुवरी में कितने डेज होते हैं, 28. ओके, सो एक वीक में अगर इतने देंगे तो फेब्रुवरी मंथ के हमें टोटल मंथ का निकालना है. तो फेब्रुवरी मंथ में कितने वीक आएंगे, एक वीक में कितने डेज आते हैं, 7. सो अगर आपने 28 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 7 × 4 = 28 मीन्स 4 वीक. फेब्रुवरी में कितने वीक्स आते हैं, 4 वीक्स आते हैं. तो हम क्या करेंगे, 1245 को 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, मीन्स हमें फेब्रुवरी मंथ में ताजमहल को कितने लोगों ने विजिट दी वो मिल जाएगा. सो आपको लिखना है 1245 नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन द फर्स्ट वीक, देन इंटू 4 नंबर ऑफ रिमेनिंग वीक्स इन फेब्रुवरी. ओके सॉरी, नंबर ऑफ वीक्स इन फेब्रुवरी, देन 4 × 5 = 20 कैरी 2, 4 × 4 = 16 + 2 = 18 कैरी 1, 4 × 2 = 8, 8 + 1 = 9, 4 × 1 = 4. सो 4980 पीपल विजिटेड द ताजमहल इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. ओके, ये आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, मेक एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस विद द क्लू गिवन. यहाँ पे क्लू दिए हमें क्वेश्चन बनाना है. देयर आर 243 रोज विथ 12 सीट्स इन ईच रो. तो आपको ये पहले जैसे कि वैसे लिखना है, देयर आर 243 रोज. सो वहाँ पे 243 रोज है और हर एक रो में 12 सीट्स है. कितनी सीट्स है, 12 सीट्स है. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करना है आगे. तो कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तो हम आगे पूछ सकते हैं, सो हाउ मेनी टोटल सीट्स आर द, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर. तो वहाँ पे कितनी सीट्स थी. ओके, ऐसे हम क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया है. देयर आर 243 रोज विथ 12 सीट्स इन ईच रो. हर एक रो में 12 सीट्स है और टोटल रोज 223 है. सो हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर. तो कितनी टोटल सीट्स थी. तो अगर 243 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर मिलेगा. लेकिन यहाँ पे आंसर निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन फ्रेम करने. ओके, अब देखो यहाँ पे, सो 235 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ द 32 स्कूल्स पार्टिसिपेटेड इन नेशनल स्पोर्ट डे. 32 स्कूल के 235 स्टूडेंट्स, मीन्स हर एक स्कूल का 235 स्टूडेंट्स कहाँ पे गए, नेशनल स्पोर्ट डे के लिए गए हैं. तो अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो ये लाइन आपको एज इट इज लिखनी है और उसके आगे लिखना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल स्पोर्ट्स डे.
ये बन गया हमारा क्वेश्चन, है ना। 235 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ द 32 स्कूल्स पार्टिसिपेटेड इन नेशनल स्पोर्ट डे। नेशनल स्पोर्ट डे में हर एक स्कूल के 235 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं। टोटल स्कूल्स 32 है, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल स्पोर्ट डे। ओके, अब देखो नेक्स्ट। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली के ओकेजन पे द स्टूडेंट्स ऑफ रिज वैली स्कूल डिसाइडेड टू डोनेट क्लोथ्स टू ब्लू बेल्स होम फॉर होमलेस चिल्ड्रन। तो दिवाली के ओकेजन पे रिज वैली स्कूल के स्टूडेंट ने डिसाइड किया है तो क्लोथ्स डोनेट्स करने, किसको, जिन चिल्ड्रंस को होम नहीं है, जो होमलेस है। इफ देयर आर 5,624 स्टूडेंट्स इन द स्कूल एंड ईच स्टूडेंट डोनेट्स 3 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स। उस स्कूल में 5,624 स्टूडेंट्स हैं और हर एक को 3 पेयर्स डोनेट करनी है। देन फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्लोथ्स डोनेटेड इन ऑल टू द ब्लू बेल्स होम। तो ब्लू बेल्स होम को, जिनको होम नहीं है, वो यहाँ पे ब्लू बेल्स होम में रहते हैं, तो उनको वो कितने क्लोथ्स डोनेट करेंगे। व्हाट वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स इज डिपिक्टेड हियर, स्टूडेंट की यहाँ पे कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उस स्टूडेंट ने कितने क्लोथ्स डोनेट्स किए हैं ये निकल जाता है, ये आपको करना है। ओके, और वैल्यू कौन से दिखाई देती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको उनकी पता है कि क्या करना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से जानते हैं। ओके, एंड प्रेजेंट इन योर क्लास एटलीस्ट 5 लाइन्स ऑन द टॉपिक हेल्प पीपल इन नीड। तो जो पीपल को ज़रूरत, जो ज़रूरतमंद पीपल है उनकी हेल्प कैसे करनी चाहिए, ये आपको 5 लाइन्स में बताना है। ओके, अब देखो, ट्राई दिस, कंप्लीट द टेबल, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। कैसे करना है देखो, ये मल्टीप्लिकेंट्स है, ये मल्टीप्लायर है, तो आपको क्या करना है, ये पहला जो मल्टीप्लायर है 9 से 26 को मल्टीप्लाई करना है, देन 9 से 30 को मल्टीप्लाई करना है, 900, 9 3 27, सो 270 आपको यहाँ पे लिखना है, देन 9 से 28 को मल्टीप्लाई करना है, देन 9 से 31 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, देन नेक्स्ट है 12, सो 12 से 26 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखना है, 12 से 30 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखना है। ओके, सो ऐसे आपको ये मल्टीप्लायर का, ये मल्टीप्लिकेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन करके प्रॉपरली आंसर्स लिखने हैं स्टूडेंट। ओके, आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो आपको पहले नोटबुक में करना है, बाद में टेक्स्ट बुक में लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज, स्पीड मैथ्स। अब देखो स्पीड मैथ्स में क्या दिया है, कंप्यूट 12 × 70। अब देखो स्टूडेंट, कभी भी जीरो वाला नंबर आता है तो जीरो एज इट इज लिख दो, 12 7 जा, अगर आपके टेबल्स लर्न है तो आपको इसका आंसर एकदम फटक से आ जाएगा, है ना। सो आपको क्या करना है, 12 × 7 करना है, सो 12 7 जा 84। ओके, और अगर आप वन बाय वन करना चाहते तो वैसे भी आप कर सकते हो। देन फाइंड 11 × 3 33 33 × 10, अगर हम कोई भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो आगे 10 रख देते हैं, सो 330, है ना। देन नेक्स्ट, व्हाट इज 27 × 1000, अगर हम कोई भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते तो 1000 पे कितने जीरोज होते हैं, 3 जीरोज, तो हमें 30 लिख देने हैं। ओके, देन देखो 23 × 614 = 614 × 23, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू का यहाँ पे साइन है, जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा वही इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, है ना, तो इसलिए हम उससे ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे ऑर्डर चेंज की है, प्रोडक्ट सेम ही आता है। ओके, तो ये आपको स्पीड मैथ्स में दिया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नीचे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, देखो एक्टिविटी बहुत सिंपल है, इजिप्शियन मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय डबलिंग एंड हाल्विंग नंबर। तो डबल नंबर करना है और हाफ नंबर्स करके मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये एक इजिप्शियन मेथड हमें दिए गए हैं तो वो हम देखने वाले, तो कैसे दी है देखो, ये आपकी एक्टिविटी, आप ये करके देखो घर पे। ओके, इसका स्पेशल वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। सो कीप डिवाइडिंग द मल्टीप्लिकेंट बाय 2 अंटिल यू रीच 1। जो मल्टीप्लिकेंट है, ये मल्टीप्लिकेंट होता है और ये मल्टीप्लायर होता है, तो मल्टीप्लिकेंट को हमें हाफ हाफ करते जाना है। ओके, कहाँ तक, जब तक आपको 2 नहीं मिल जाता, मल्टीप्लिकेंट 2 हो नहीं जाता तब तक। द सेम नंबर ऑफ टाइम्स इफ द मल्टीप्लिकेंट इज एन ऑड नंबर, अगर आपका मल्टीप्लिकेंट ऑड नंबर आता है, देन सबट्रैक 1 बिफोर हाल्विंग इट, तो उसमें से एक माइनस कर लो,
हाफ करने से पहले उसको, ठीक है. सो एवरी टाइम वेन यू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द मल्टीप्लीकेट नोट द करस्पॉन्डिंग डबल नंबर्स, और जो नंबर्स आएगा वो डबल करते जाना है, मल्टीप्लाई डबल करते जाना है, एंड ऐड देम टू द फाइनल नंबर एज शोन, और उसमें फाइनल नंबर ऐड करना है. यू गेट द आंसर विदाउट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल्स एट ऑल. तो आपको आंसर सबका मिल जाएगा विदाउट मल्टीप्लीकेशन टेबल. ओके, कैसे देखो. अब देखो 8 क्या है, मल्टीप्लीकेशन. एक 8 का हाफ करना है, आधा मींस कितना होगा 4, लेकिन इस साइड में जो मल्टीप्लायर है वो डबल करते जाना है. 25 का डबल क्या होगा 50. ओके, अब नीचे की स्टेप 4 का हाफ किया तो कितना हो जाएगा 2. ओके, और फिर बाद में इसको डबल करना है, 50 का डबल किया तो 100, देन 2 का हाफ किया तो 1 हो जाएगा, 100 का डबल किया तो 200. तो आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है 8 × 25 200. यहाँ पे स्टेप भी दिए. देखो अब देखो एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 42 × 33. सो 42 हमारा मल्टीप्लीकेंट है, 33 मल्टीप्लायर है. मल्टीप्लायर को क्या करते जाना है डबल, और मल्टीप्लीकेंट को क्या करते जाना है हाफ करते जाना है. सो 42 के हाफ कितनी हुए 21, 33 का डबल किया 66. अब देखो 21 का हाफ हम नहीं कर सकते, है ना, तो इसमें से माइनस 1 कर लेना है, तो कितने बचेंगे 20. सो 20 का हाफ किया तो 10 हो जाता है. ओके, 66 का डबल किया तो 132 हो जाता है. देन 10 का हाफ किया 5, इसका डबल किया 264. देन 5 का हाफ हम कर नहीं सकते इसलिए माइनस 1 करना है, देन कितने बचेंगे 4. सो 4 का हाफ किया तो कितने होगा 2, तो इसका डबल करना है, 2 का हाफ किया तो 1, 528 का डबल किया तो 1056. तो आंसर इज 1000. सो स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्टिविटी के. ओके, इस मेथड के, ठीक है. और आज मैंने आपको जो दिया है स्पीड मैथ्स और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है समझा के दिए हुए पेज नंबर 45 पे जो दिए हैं वो आपको प्रॉपरली आपके नोटबुक में सॉल्व करने हैं और मुझे ग्रुप पे फोटो सेंड करने हैं. ओके, बाय.